दोस्तों ये है प्लूमेरिया यानी चंपा का प्लांट। चंपा का प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, ये एक परमानेंट प्लांट है। इसमें बहुत ही खुशबूदार फूल खिलते हैं, इसमें भीनी भीनी सी खुशबू आती है। और अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, गर्मियों में इसका ग्रोइंग पीरियड है, इसमें ढेर सारे फूल खिलते हैं। लेकिन बिना देखभाल के कोई भी प्लांट्स हमें अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, तो इस प्लांट्स को भी दोस्तों केयर की ज़रूरत पड़ती है और इसे भी खाद पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये जो मेरे प्लांट है देखिए, मैंने कटिंग से तैयार किए हैं और इसमें कितने अच्छे से फ्लावरिंग किए हैं, बिल्कुल 1 फीट के प्लांट है और ये एक मैंने प्लांट लगाया है। तो इसकी कटिंग तो ढेर सारे लगा ही सकते हैं, बहुत इजीली लग जाती है और कटिंग में भी फ्लावरिंग करने लगता है। तो ये जो मेरा प्लांट है कटिंग में फ्लावरिंग किया हुआ है, तो इसके जो फ्लावरिंग है वो कौन कौन से खाद देते हैं ताकि जो हमारा प्लांट है बहुत छोटे में फ्लावरिंग करने लगे और ये जो फूल है बहुत दिनों तक टिका रहे, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी कि इस प्लांट्स को मैं कैसे केयर करती हूं और ढेर से ढेर सारा इसमें फूल कैसे लेती हूं और कई महीनों तक ऐसे ही फूल खिलता रहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो अपने चैनल ग्रीन वाटिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो चंपा का प्लांट है दोस्तों, ये बहुत ही खुशबूदार प्लांट होता है और ये हार्डी प्लांट होता है और इसको लगाना बहुत ही आसान है। इसको कटिंग से हम बहुत आसानी से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये दो प्लांट चंपा का मेरे पास है, ये देखिए डार्क रेड में, और दोनों जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से खिल रहा है। अभी इसमें एक ब्रांच में देखिए फूल खिल गए हैं और दो ब्रांच में ये कलियाँ बनी हुई है। तो इसके जो फूल होते हैं ना बहुत दिनों तक टिके रहते हैं प्लांट्स में, और ये एक कलर है जो वाइट और येलो के शेड में होते हैं। ये बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं इस कलर के प्लांट्स, और ये अक्सर दोस्तों या तो स्टेशन के पास जो होता है वहाँ पर ढेर सारे प्लांट्स इसके लगे रहते हैं, रोड साइड में लगे रहते हैं। तो आपको अगर कटिंग भी मिल जाती है तो उससे भी इस प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। और ये जो मेरा प्लांट है दोस्तों, ये मेरा प्लांट्स कम से कम 4 साल पुराना है और देखिए मैंने यहाँ से बीच से कट कर दिया था और इसमें ब्रांच निकलने लगे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा दिनों का प्लांट हो गया है। तो बीच में मैंने इसको रिपोर्ट भी किया था क्योंकि बहुत हार्डी प्लांट है और ज़्यादा दिन तक एक ही प्लांट में एक ही पॉट्स में रखते हैं तो पॉट्स ख़त्म होने लगता है क्योंकि इसके रूट्स बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो इसको 2-3 साल पर रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पिछले साल ही इसको रिपोर्ट किया था और इसको प्रूनिंग कर दिया था। तो देखिए प्रूनिंग करने के बाद इसमें से ढेर सारे ब्रांच निकल रहे हैं और इसमें ब्रांच निकल एक जहाँ से प्रूनिंग कीजिएगा तो वहाँ से 3-4 ब्रांच निकल आते हैं इस तरह से देखिए, और हर ब्रांच में ये फूल खिलने लगते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स भी घना हो जाता है और इसको प्रूनिंग करना तो ज़रूरी है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ जैसे बन जाता है। देखिए ये जो मेरा प्लांट है रेड कलर का चंपा, ये कितना बड़ा सा हो गया है। इसकी प्रूनिंग मैंने नहीं की ही क्योंकि ये अभी प्लांट मेरा 2 साल पुराना है, तो इसको प्रून नहीं की हूँ और ना ही इसको रिपोर्ट की हूँ। फिर भी देखिए ये कितना बड़ा सा हो गया है और हर ब्रांच में फूल खिल रहे हैं। चंपा का प्लांट एक परमानेंट हार्डी प्लांट है और इसके हर ब्रांच में दोस्तों पानी सेव होता है। इसके मोटे मोटे जो ब्रांच होते हैं उसमें पानी लोड रहता है, इसलिए इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। इसमें अगर हम पानी ज़्यादा डालेंगे तो ये जो फूल है वो नहीं खिलते हैं, केवल पत्तियाँ निकालता है प्लांट अपने, क्योंकि पानी डालने से पत्तियों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, इसलिए पूरा प्लांट पत्तियों से भर जाता है, उसमें फूल नहीं खिलता है। इसलिए हम इसको गर्मियों में भी अगर हम पानी डाल रहे हैं तो 2-3 दिन में एक बार डालें। अगर विंटर में तो ये प्लांट्स पानी चाहता ही नहीं है, डिमांड नहीं करता है पानी का, क्योंकि उस समय बिल्कुल ये रेस्ट में रहता है तो ना इसको भोजन की ज़रूरत पड़ती है ना पानी की। उस समय ऐसा लगता है दोस्तों कि इसकी सारी पत्तियाँ रिमूव हो जाती है और ऐसा लगता है कि ये प्लांट मर गया है, ख़त्म हो गया है। लेकिन जैसे ही जनवरी फरवरी आता है इस प्लांट्स की ग्रोथ तेज़ी से होने लगती है और इसमें ढेर सारे पत्तियाँ निकलने लगती है। लेकिन गर्मियों में दोस्तों इसमें कम से कम पानी डालें क्योंकि इसके हर ब्रांच में देखिए पानी सेव रहता है और ये अपना उसी से ये काम चलाता है जिससे कि ये प्लांट्स में फूल खिलने लगते हैं। तो गर्मियों में भी इसको 2-3 दिन में पानी डालें। अब बात करें दोस्तों कि इसको धूप, ये परमानेंट प्लांट है तो इसको हमेशा धूप चाहिए और इसको इतनी ज़्यादा धूप चाहिए ताकि ये प्लांट्स में फूल खिलता रहे। इस प्लांट्स को धूप मिलेगा तभी इस प्लांट्स में फूल खिलेंगे। तो इसको 7-8 घंटे की धूप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये देखिए मैंने यहाँ रखा है जहाँ पर इसको बिल्कुल 7-8 घंटे की धूप मिलती है। इसके मोटे मोटे जो ब्रांच हो जाते हैं अगर आप 2-3 साल पर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो ये गमला भी ख़त्म कर देता है।
दोस्तों बात करें मिट्टी की कि इसको कैसी मिट्टी चाहिए, तो इसको बिल्कुल ही जो नॉर्मल मिट्टी होती है जैसे सभी प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये हार्डी प्लांट्स हैं, इसको किसी तरह की मिट्टी सर्वाइव कर सकता है। तो इसको जो मैंने मिट्टी बनाया था दोस्तों, इसमें 30% मिट्टी, 20% खाद, 20% कोकोपीट और 10% इसमें नीम खली डाल के इस तरह से मिट्टी तैयार किया था। और इसी तरह अक्सर ज़्यादातर प्लांट्स की मिट्टी बनती है, तो इसी तरह मैंने इसकी मिट्टी बनाया है। और बात करें दोस्तों गमले की, तो ये एक हार्डी प्लांट है, और ये प्लांट जो होता है ना, इसके कुछ वैरायटी है जो छोटे भी होते हैं, छोटे में ही फ्लावरिंग करने लगता है, लेकिन जो मेरा ये प्लांट है देखिए ये बड़ा सा पेड़ जैसा बन गया है। तो इसके लिए जो इस तरह के प्लांट होते हैं, ये वैरायटी जो प्लांट होते हैं, इसके लिए बड़े गमले की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये 15x15 के गमले लगाए हैं, दोनों प्लांट मेरा 15x15 के ही हैं और दोनों प्लांट जो है वो बहुत बड़ा हो गया है। तो इस तरह के गमले में आप लगा सकते हैं, छोटे गमले में भी लगा सकते हैं अगर छोटा प्लांट है। यहाँ पर देखिए इसी की कटिंग मैंने लगाई थी, ये मेरा टूट गया था गमला, छोटा सा 4 इंच का गमला है, उसमें मैंने कटिंग लगा दी थी। और इसमें देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग करता है, तो इसमें भी मैं खाद वगैरह देती हूँ तभी ये प्लांट छोटे में ही फ्लावरिंग करने लगा है। तो इसको अगर खाद पानी देते हैं तो छोटे में भी फ्लावरिंग करने लगता है। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है दोस्तों, देखिए कितने सारे मैंने कटिंग तैयार किए हैं। और अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर में बहुत बड़ा सा इसकी कटिंग लगा दी थी, तो पेड़ जैसे बन गया है। और ये देखिए ये 6 इंच के पॉट्स में, छोटे से पॉट्स में इसकी कटिंग लगा दी थी, तो ये भी लग गया है। तो इसकी कटिंग से ही आप कितने सारे प्लांट्स बना सकते हैं, इसकी कटिंग आप कभी भी लगा सकते हैं बहुत आसानी से। ये गर्मी सर्दी बरसात सब में लग जाती है और बहुत ही ये खूबसूरत प्लांट होता है, तो इसके कटिंग से भी आप ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। चंपा के प्लांट में जब भी फूल खिलने का समय आता है इन्हें गर्मियों में, तो उसके पहले दोस्तों इसके जो प्लांट्स के ऊपर टिप्स होते हैं उसमें मिली बग्स का अटैक आ जाता है, वाइट वाइट के कीड़े लग जाते हैं, जिससे कि उसके जो प्लांट्स में फूल खिलने के पहले वहाँ की जो पत्तियाँ होती है वो मरोड़ सी जाती है और वो मुरझाने जैसा लगता है। लेकिन उसके लिए दोस्तों जब फूल खिलने का समय है, वो जब कलियाँ बनने लगती है, तो उस समय हम अपने प्लांट्स के ऊपर जब भी मिली बग्स का अटैक हो, कीड़े लगे, तो उसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर दें या फिर फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं और हल्दी का भी स्प्रे कर सकते हैं, उसे भी मिली बग्स या कीड़े जो लगते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिससे कि प्लांट्स हमारा हेल्दी रहता है और जो फूल खिलता है वो जल्दी गिरते नहीं है। मिली बग्स लग जाने से दोस्तों जो फूल खिलने लगते हैं ना, वो पूरा खिले बिना ही ज़मीन पर गिर जाते हैं, तो उसके लिए नीम ऑयल का स्प्रे बहुत अच्छा है। आप कोई भी स्प्रे कर सकते हैं, जैसे फंगीसाइड, नीम ऑयल या फिर हल्दी का, ये बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों अब बात करें कि इस प्लांट्स में कौन सा फर्टिलाइज़र दें। वैसे तो इसमें काउडंग जो गोबर की खाद होती है वो अक्सर डाला जाता है गर्मियों में, गर्मियों की शुरुआत में ही वो मैं खाद अपने प्लांट्स में दे देती हूँ। लेकिन जब इसको फूल खिलने की बारी आती है या फूल खिलता है, जब इसको एनर्जी चाहिए, तो हमें इसमें थोड़ा हैवी खाद डालना ज़रूरी होता है। वैसे तो मैं अपने सारे प्लांट्स में ऑर्गेनिक खाद ही डालती हूँ, लेकिन ये देखिए मैं इसमें कुछ DAP के दाने ली हूँ, और ये DAP के दाने बहुत हमारे प्लांट्स के लिए अच्छा होता है। और यहाँ पर दूसरा जो फर्टिलाइज़र लिया है ये चाय की पत्ती है, तो तीन तरह के फर्टिलाइज़र मैं अभी यूज करती हूँ। तो ये चाय की पत्ती है, इसमें नाइट्रोजन बहुत मात्रा में होता है, तो ये हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। और ये कोई भी फूल वाले प्लांट्स के लिए चाय की पत्ती बहुत अच्छा होता है। तो इसको 4 चम्मच हम बड़े से गमले में, 15x15 के गमले हैं, तो इसको 4 चम्मच हम डाल सकते हैं इसमें, और छोटे गमले तो 2 चम्मच। और ये DAP के दाने देखिए ये थोड़े से ही लिए हैं, आधी मुट्ठी के बराबर लिए हैं, और मेरा गमला जो है बहुत बड़ा बड़ा है। वैसे तो चंपा का प्लांट आप 10 इंच के 12 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये पेड़ जैसा है तो इसलिए बड़ा सा गमला है। तो इसको साइड में देखिए थोड़ी सी 10-15 दाने हैं, उसको साइड में करके, पूरे चारों तरफ नहीं देना है, साइड में थोड़े से ऐसे डाल के और इसको मिट्टी से ढक देना है। और ये खुद ब खुद जब इसमें पानी देंगे तो ये पूरा रूट्स के पास इसका जो फर्टिलाइज़र है वो चला जाएगा। और तीसरा जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये देखिए ये है केले के छिलके का ये पाउडर फॉर्म में मैंने बना के रखा है, केले के छिलके को सुखा के और इसको पीस दिया है मिक्सी में। तो ये इसमें फास्फोरस बहुत मात्रा में होता है, मैग्नीशियम होता है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ भी तेज़ी से करता है, रूट भी डेवलप करता है और फूलों की फूल खिलने की शक्ति भी बढ़ाता है।
तो आप इसे चाहे तो लिक्विड भी बना के दे सकते हैं, पानी में घोल के 1-2 दिन रख के, या फिर जो केले के छिलके होते हैं उसे डायरेक्ट पानी में डाल के उसे भी दे सकते हैं। तो मैं ये पाउडर फॉर्म में रखती हूँ, कभी कभी अपने प्लांट्स में देती रहती हूँ। तो इस तरह से ये 3 फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट्स में देती हूँ दोस्तों। और ये फर्टिलाइज़र मैंने अभी जो कटिंग्स लगाई थी उसमें दिया था। तो देखिए, आप लोग देख ही सकते हैं कि इस छोटे से 1 फीट के प्लांट्स में भी कितने ज़्यादा फूल खिले हुए हैं। तो ये तीनों फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा है। वैसे जब इस प्लांट्स में जब ग्रोथ शुरू हो जाए जनवरी फरवरी में, तब इसमें गोबर की खाद दे सकते हैं। ये देखिए 1 फीट के प्लांट्स में कितने अच्छे से फूल खिले हैं। तो ये तीनों फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट्स में देती हूँ। तो दोस्तों, आप भी देख के चंपा का प्लांट में देखिए, एक तो ये फूल खिलेगा ही, साथ में इसके फूल झड़ेंगे भी नहीं जल्दी, और महीनों तक इसके फूल बरकरार रहेंगे प्लांट में। तो ये प्लांट्स, ये जो फर्टिलाइज़र है बहुत अच्छा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।